तो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये कानून सांप्रदायिक है, इसे केंद्र सरकार वापस ले ले। वहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष राष्ट्रपति से आज मुलाकात भी करेगा। नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर चिंता जताई जा रही है। अब सभी विपक्षी दल इस मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। आज राष्ट्रपति कोविंद से देश के प्रमुख विपक्षी नेता मुलाकात करेंगे, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। विपक्षी दल के नेता शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचेंगे। इस दौरान विपक्षी दलों के सभी प्रमुख नेतागण मौजूद नजर आएंगे, उपस्थित नजर आएंगे। बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर देश के कई कोनों से हिंसक प्रदर्शन की खबरें तस्वीरें सामने आ रही है। इस दौरान सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस कानून के विरोध में नॉर्थ ईस्ट में भी काफी बवाल देखा जा रहा है। देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे इस कानून पर विरोध जता रहे हैं और विरोध कई स्थानों पर हिंसा में भी तब्दील हो रहा है और इस तरह से बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। ब्रजेश जी, आज शाम 4:30 बजे का वक्त रखा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने का। विपक्षी दलों के नेतागण उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे, यानी कि नागरिकता कानून पर पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ब्रजेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा हो नहीं पाया है, कट गया है संपर्क। तो ताजा अपडेट आपको बता दें कि विपक्ष का दावा है कि ये कानून पूरी तरह से सांप्रदायिक है और इसे केंद्र सरकार को वापस ले लेना चाहिए। और इसी के मद्देनजर नागरिकता कानून पर आज पूरा विपक्ष एकजुट होते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शाम 4:30 बजे मुलाकात करेगा। वही दिल्ली में हिंसा के बाद मोदी सरकार अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। जी हाँ, इस हिंसा को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी दी गई है। हिंसा के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही गई है। एमएचए की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना होगा। एमएचए की तरफ से कुछ इस तरह के निर्देश, जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स हिंसा भड़काने की कोशिश करे, उपद्रव मचाने की कोशिश करे, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। तो मोदी सरकार एलएच पर, दिल्ली में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय से सभी राज्यों को इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उनके प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं।